हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक क्लोथिंग हॉल। और ये क्लोथिंग हॉल होने वाला है सरोजनी नगर का। मैं लॉकडाउन के बाद एक बार मैंने विजिट किया था मार्केट, तो तब मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी वहाँ से। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि अभी इस टाइम पे आपको मार्केट में क्या क्या चीज़ें मिल सकती है। सो आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। और मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली है, कुछ टॉप्स लिए हैं, कुछ बॉटम वेयर है और कुछ एथनिक वेयर है। और जो भी प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं उनके सारे शॉप डिटेल्स और प्राइस डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मेंशन मिल जाएंगे। सो इस तरह के इंटरेस्टिंग हॉल्स एंड व्लॉग्स वगैरह के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे या थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। ओके गाइस, तो जो सबसे पहला टॉप है वो है ये टॉप, एंड दिस इज़ इन द शेड लेवेंडर कलर। सो मेरे को ये शेड्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे और मेरे पर ये कलर बहुत ज़्यादा सूट भी करता है, बिकॉज मैंने लेवेंडर कलर में एक दो ड्रेसेस मेरे पास हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये लिया जाए। और आई थिंक ये मैंने शॉप नंबर 198 से या 197 से लिया था, जो भी आपको स्क्रीन पर मैंशन मिल जाएगा। उन्होंने इसका प्राइस 250 बताया था और मैंने बार्गिन करा के इसको मैंने 150 रुपीज़ में लिया था। 100 रुपीज़ मेरे को डिस्काउंट मिला था इस पे। सो इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, देख सकते हैं दिस इज़ हाउ द मटेरियल। एंड इसमें ये जो व्हाटएवर आप कुछ भी बोल सकते हो इसको, सो इसको हम अपने अकॉर्डिंग यू नो क्रॉप कर सकते हैं। और इसको अगर आपको क्रॉप नहीं पहनना है, आप इसको नीचे की तरफ स्क्वीज कर लीजिए तो ये लंबा हो जाएगा और आप इसको यू नो वेस्ट लाइन तक भी वेयर कर सकते हैं। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और इसका मटेरियल स्पेशली मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो नेक्स्ट टॉप अगेन सेम सिमिलर वैसा ही मिलता जुलता है, बट इन अ ब्लू कलर, बहुत ही ब्यूटीफुल से रॉयल ब्लू कलर है। और ये मैंने शॉप नंबर 175 या 174 से लिया था। सो इसका उन्होंने 250 ही बताया था और उनके शॉप में सारे फिक्स्ड प्राइजेस है, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा भी बार्गेनिंग नहीं कर पाई थी, 250 रुपीज़ में लेना पड़ा था। बट इसका जो मटेरियल है, इसका मटेरियल दोनों डिफरेंट है। ये मेरे को 150 रुपीज़ में मिला, बट आई जस्ट लव द मटेरियल ऑफ दिस वन, बिकॉज इसका जो मटेरियल है ना ये भी काफ़ी अच्छा है, बट ये वन वॉश के बाद ना थोड़ा सा लूज हो गया। आप देख सकते हैं इसका स्लीव एरिया एंड इसका वेस्ट एरिया थोड़ा सा यू नो इस तरह से फैला हुआ लूज लूज सा लग रहा है। और सेम इसका भी पैटर्न कुछ वैसा ही है, तो या ये मेरे को 250 रुपीज़ में मिला। नेक्स्ट मैंने लिया है टर्टल नेक, या फिर आप हॉल्टर नेक इसको टॉप बोल सकते हैं। और ये कुछ इस तरह का टॉप है, ये लेवेंडर कलर है बट इन अ पेस्टल फॉर्म, पेस्टल लेवेंडर कलर है। और ये मेरे को 100 बक्स में मिला है, इसमें मेरे को थोड़ा सा भी बार्गिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं जिसमें यू नो एक ही फिक्स्ड प्राइस में वो लोग सेल में रखते हैं प्रोडक्ट्स, तो ये मेरे को वहाँ से मिला था 100 रुपीज़ के बक्स में। और इसका जो मटेरियल है काफ़ी अच्छा है गाइस, जस्ट लुक एट इट, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेची है। मैंने ऑनलाइन देखा है इस तरह के टॉप्स इस तरह के मटेरियल में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, अराउंड 300 to 400 में। और सरोजनी नगर में मेरे को ये टॉप इसी मटेरियल में मेरे को 100 बक्स में मिला है, विच इज़ अ ग्रेट डील आई थिंक। और इसका फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया ये। सेम मैंने उसी स्टॉल में से ये ब्लैक कलर में लिया है एक, और इसका भी मटेरियल बहुत अच्छा है, बट ये थोड़ा सा थिन मटेरियल है, बट बहुत ही ज़्यादा कम्फी है इसका मटेरियल। और ये भी अगेन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेची है और 100 बक्स में मेरे को ये मिला है। और ये पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा श्वीक एंड काफ़ी सेक्सी एंड काफ़ी कैजुअल सा लुक दे रहा था। मैं इस टर्टल नेक टॉप से कई तरह के यू नो आउटफिट स्टाइल कर सकती हूँ। आई कैन वेयर दिस टॉप विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक डेनिम्स, बहुत जल्दी मेरे दिमाग में अभी बहुत सारी चीज़ें आ रही कि मैं स्टॉप को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें स्टाइल कर सकती हूँ। सो अगर आप ऐसा कुछ देखना चाहते हैं देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि आप लोग देखना चाहते हैं कि नहीं। सो मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूँगी। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉप है वो है कुछ इस तरह का ऑफ शोल्डर टॉप। एंड ये वाले टॉप ना यू नो अभी ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है, आप अगर इंस्टा पे देखोगे बहुत सारे सेलिब्स ने भी पहना हुआ है। तो मैंने ये देखा था आई थिंक कि 150 रुपीज़ में मुझे मिला था। एक छोटा सा वो स्टॉल होता है जहाँ पे आपको अगेन यू नो सेल में फिक्स प्राइस में आपको स्टॉक्स मिलते हैं, तो ये मैंने लिया था। आई थिंक अब्रोल सन्स के लेन में से निकल के एक शॉप है, वहाँ से मैंने लिया था, जो भी आपको शॉप नंबर स्क्रीन पे मेंशन मिल जाएगा। और इसमें इस तरह का यू नो कुछ फ्रिलिंग एंड रफल डिटेलिंग है नेक एरिया पे एंड बॉटम पार्ट पे भी, सिमिलर आपको बैक पे भी मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा क्यूट एंड कम्फी सा एक टॉप है, इसका स्लीव बिल्कुल प्लेन नेट का है जो कि काफ़ी ज़्यादा यू नो सेक्सी सा एक वाइब देता है। तो इसमें बहुत सारे आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे वहाँ पे, बट मेरे को ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आई डोंट नो ये
कैमरे पे थोड़ा चेरी रेड लग रहा है, बट ये थोड़ा सा यू नो रियल में लाइक थोड़ा मरूनिश रेड कलर है, और ये मेरे को 150 रुपीज़ में मिला है. ओके सो नेक्स्ट मैंने लिया है एक इस तरह का कुछ कैमी इनर टॉप आप बोल सकते हैं. तो मैं इसको ऐसे सिंपल भी वेयर कर सकती हूँ और मैं इसके ऊपर लेयरिंग भी कर सकती हूँ, लाइक मैं इसके ऊपर कुछ भी वेयर कर सकती हूँ. आई कैन यूज़ दिस एज अ इनर वेयर और आई कैन यूज़ दिस एज अ स्ट्रैपी टॉप ऑल्सो. सो बिकॉज इट्स अ पैडेड सो इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कलर ऑप्शन, और इसमें प्रिंटेड भी आपको मिल जाएंगे. मैंने ये आई डोंट नो, मेरे को रिमेंबर नहीं है कि मैंने कौन से शॉप से लिया था, बट आपको छोटे छोटे बहुत सारे इस तरह के शॉप्स दिख जाएंगे जहाँ पे आपको इस तरह के टॉप्स इजीली आपको मिल जाएंगे. और उन्होंने 250 इसका प्राइस बताया था, बट मैंने बार्गेन करा के 200 रुपीस में लिया था. सो आई थिंक 200 वर्थ इट है, क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट्स अ पैडेड इनरवेयर और इसका जो मटेरियल है, जस्ट लुक एट इट गाइज, हाउ मच स्ट्रेची इज दिस. और इसकी जो स्ट्रैप्स है वो भी बिल्कुल स्ट्रेची सी है. सो आई जस्ट लव्ड इट, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये कोई भी पहन सकता है, लाइक स्मॉल टू लार्जर साइज में कोई भी है तो वो इसको इजीली वेयर कर सकते हैं. इट्स अ वन साइज इनोवेयर. सो ओके नेक्स्ट मैंने लिया है कुछ इस तरह का एक शॉर्ट. सो मैं इसको किसी भी वन पीस या फिर ड्रेस के नीचे मैं इसको वेयर कर सकती हूँ, और साथ ही साथ मैं इसको बहुत ही ज़्यादा ह्यूज साइज़ के लॉन्ग लॉन्ग टी शर्ट्स के साथ इसको मैं स्टाइल कर सकती हूँ एज अ शॉर्ट. लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर मैं इसको किसी यू नो बैगी से टी शर्ट के साथ और वेस्ट बैग के साथ इसको स्टाइल करूँगी, तो बहुत ही ज़्यादा कूल सा एक लुक आएगा. तो या इसका भी मटेरियल अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लाइक इसको कोई भी वेयर कर सकता है. इट्स अ वन साइज शॉर्ट्स और ये मेरे को अगेन 200 रुपीज़ में मिला था. इसमें मेरे को कोई भी बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी थी. सो नेक्स्ट मैंने लिया है एक बॉटम वेयर, और मुझे कुछ इस तरह के शेड का एक बॉटम वेयर चाहिए था काफ़ी टाइम से, और मुझे ये मिल गया. जस्ट लुक एट द टेक्सचर गाइस, इसका जो मटेरियल है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेची मटेरियल भी है, प्लस इसमें बैक साइड में इस तरह का कुछ एलास्टिक मिल जाता है. बट आई जस्ट लव द पैटर्न, यू नो, जस्ट लुक एट इट. और ये कुछ यू नो पेपर बैग काइंड ऑफ जो ट्राउजर्स होते हैं वैसा कुछ एक लुक प्रोवाइड करता है, बट इट्स नॉट अ पेपर बैग ट्राउज़र. सो ये इसको मैं कैजुअली ऑफिशियली लुक के लिए इसको स्टाइल कर सकती हूँ. इट हैज़ टू पॉकेट्स और आई जस्ट लव्ड इट. स्पेशली इसका जो मटेरियल है मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और इसमें मेरे को कोई भी बार्गेनिंग करने की नीड पड़ी नहीं थी, क्योंकि इट जस्ट फॉर 100 bucks, और 100 bucks में ये बहुत अच्छा मटेरियल मेरे को मिला है. तो आई थिंक मेरे को उसमें लगा नहीं कि मेरे को कुछ बार्गेन करना चाहिए. सो गाइस नेक्स्ट मैंने लिया है एक ड्रेस, और इस टाइप की ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है, और ये मैंने लॉकडाउन से पहले लिया था, जो कि मैं अभी इस हॉल में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. सो मुझे ये वाले ड्रेस काफ़ी टाइम से लेने थे, मुझे लेवेंडर कलर में और पिंक कलर में लेना था, बट मेरे को जब मैं गई थी और उस टाइम पर मेरे को किसी भी शॉप में दोनों शेड्स अवेलेबल ही नहीं मिले थे. तो मेरे को लास्ट में एक शॉप में ब्लैक कलर का दिखा था, तो मैंने सोचा ब्लैक ही पिक कर लेते हैं. सो या ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लाइक इसका जो अपर पार्ट है यहाँ पे आपको आई थिंक इसको क्रोशे बोलते हैं, क्रोशे वाला डिटेलिंग आपको मिल जाएगा, एंड नीचे पूरा इस तरह से नेट का रिफल एंड फ्रिलिंग वाला डिटेलिंग है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. और ये थोड़ा सा लाइक नी लेंथ से थोड़ा लॉन्ग है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट कराऊंगी, बट ओवरऑल ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. एंड शॉप नंबर अगेन आपको स्क्रीन पे मेंशन मिल जाएगा. एंड ये जो मैंने जिस शॉप से लिया, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने उनका शॉप का पूरा कलेक्शन मेरे वीडियो में शेयर करा हुआ है, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि उन जिस शॉप से मैंने ये लिया है उनके पास और किस तरह के कलेक्शन हैं, तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा. सो ये मेरे को अराउंड 500 रुपीज़ में मिला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मटेरियल है इसका, एंड आई थिंक वो लोग ऑनलाइन भी सेलिंग करते हैं. अगर आप सरोजनी नगर नहीं विजिट कर सकते हैं, देन उनका जो ऑनलाइन स्टोर का लिंक है, इंस्टा लिंक, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. सो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने लिया है कुछ एक एथनिक वेयर, और वो है ये कॉम्बो सेट. और ये आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ में मिला है. सो मैं जस्ट ऐसे मार्केट एक्सप्लोर कर रही थी, एंड मैंने एक छोटा सा एक यू नो
स्टॉल देखा जहाँ पे यू नो 150 रुपीज में सेल था. लाइक अगर आप वन पीस लेते हैं, लाइक सिर्फ अगर आप कुर्ती लेते हैं तो फिर आपको 100 रुपीज का पड़ेगा, बट अगर आप यू नो दो कॉम्बो सेट लेते हैं देन आपको 150 रुपीज में पड़ेगा. तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था. वहाँ पे इस तरह के कुछ पेस्टल शेड्स थे और मैंने काफ़ी टाइम से इस तरह के पेस्टल शेड्स नहीं पहने थे, तो मैंने ये एक शेड पिक किया था. इट्स अ पीची पेस्टल शेड और मेरे को काफ़ी ज़्यादा इसका मटेरियल पसंद आया. इट्स अ कॉटन बेस्ड मटेरियल. इसमें कुछ इस तरह का प्रिंट है कुर्ती में एंड यहाँ पे गोटा पट्टी का वर्क किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं नेक पे डिटेलिंग हियर. एंड इसका जो बॉटम वेयर है वो कुछ इस तरह के प्रिंट में है. सो मैंने इसको थोड़ा सा फिट करवाया है ऑल्टर करा के, बिकॉज ये मेरे साइज का नहीं था. बट मेरे को इसमें एक चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, वो है ये ग्लिटरी पार्ट. लाइक आप देख सकते हैं ये जो ग्लिटरी पार्ट है, मेरे को लगा था कि ये पेस्ट ऑन ग्लिटर्स है, बट ये वॉश करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा निकल रहा है. लाइक आप अभी भी देख सकते हैं लाइक इसमें से कितना ग्लिटर डस्ट ऑफ हो रहा है. सो जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा यू नो डिस्टर्ब कर रहा है. लाइक आप देख सकते हैं इसमें कितनी ग्लिटर्स है. आई डोंट लाइक इट. सो इसको मैं बार बार वॉश कर करके आई थिंक इसके सारे ग्लिटर्स निकल जाएंगे, तभी मैं इसको अच्छी तरह से वेयर कर पाऊंगी. अदरवाइज ये मेरे पूरे घर में सिर्फ ग्लिटर्स होते हैं, तो इस वजह से मैं इसको नहीं पहन पाती हूँ. बट द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल वॉज जस्ट बैंग ऑन. लाइक 150 रुपीज़ में प्योर कॉटन मटेरियल मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम्फी है, स्पेशली फॉर द समर सीजन. सो या दिस इज व्हाट आई गॉट. सो या गाइज, दैट वॉज इट फॉर टुडेज ट्राई ऑन हॉल. लाइक सरोजिनी नगर जाए हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका था और लॉकडाउन के बाद मैंने एक बार विजिट किया, तो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ से परचेज करी थी. सो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, और बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ मार्केट एक्सप्लोर करके सारा व्लॉग आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी. तो उसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा. सो या मिलती हूँ नई वीडियो में नए तरीके के साथ, तब तक के लिए मज़े में रहिए. बाय बाय.